ये गाना कहाँ से आ रहा है? निशा साथ साथ इमोशनल गाने भी सुनती रहती है। बात कर रही होगी मम्मी से? हाँ जी मम्मी। निशा मैं देखती हूँ क्या कर रही है, फिर मेरे को याद आया गाना चल रहा पीछे। नहीं वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास देख नहीं रहा, उल्टी लेटी हुई है, उसकी पीठ में घुटने मार रहा है फिजियोथेरेपिस्ट। Hi guys, welcome back to our channel and wish you a very happy new year. ऐसा लगा तुम मुझे मना कर रही हो, मत बोलो। नहीं नहीं मैंने hi wish you everyone a very happy new year. तो हम लोग नए साल के दिन सुबह सुबह अपना एक काम करके घर वापस लौट रहे हैं और घर पहुंचते ही आपको मिलाते हैं कोको चेरी कैंडी से। और आज नए साल के दिन ही मेरी मम्मी का बर्थडे भी आता है, तो घर चल के मम्मी से भी वीडियो कॉल पे बात करते हैं। आप लोग तैयार हो हमारे साथ घर चलने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। कहाँ रो रही है बेबी? कैंडी की रोने की आवाज आ रही है मेरे को। कैंडू तेरी अंदर से रोने की आवाज आ रही थी मेरे को, किसको भौंक रही थी तू कि मैं ये चैन लूं? चलो कोको भैया का है, अब याद आया तेरे को? अब याद आया कोको भैया का? छोटे रूम में तो नहीं बंद कर दिया? हाँ हरी राम, ये रहा ये बैठा हुआ है। क्या हो गया? मैं मेरे को लगा तुम छोटे रूम में बंद करके चले गए इसको। चमीला बाबू है, चमीला बाबू है छोटा वाला। आपको मैं बता दूं, मैंने इतने कपड़े धोए हैं, इतने कपड़े सारी जितनी भी क्विल्ट्स थी ना एक एक करके कोको के और भी धो के मैंने अंदर रख दिए हैं। ये आखिरी क्विल्ट है, अब ये धोने जा रही हूँ और उसके बाद ये आखिरी चादर है, तो आई बी सॉर्टेड। ये सब धो के डाल दिए हैं, तो इसके बाद ये कभी नहीं धुलेंगे? धुलेंगे, लेकिन मैंने बहुत बड़ा लॉट किया है बेबी साहब। मतलब अब ये इसको जब तय लगा के अंदर रखोगे तो आप सीधा यूज करने के लोगे, वरना इधर उधर 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 मैं देख रही हूँ कि बड़ा घुसा घुसा के मामला रखा हुआ था, विच इज नॉट राइट, सो आई एम डूइंग इट इन अ गुड वे। इसमें से खुशबू के लिए हमने डाल दिया है सॉफ्ट टच। नमस्ते पापा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पापा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सारिका। हैप्पी न्यू ईयर निशा। निशा तो बहुत सुंदर लग रही है आज, कोई लिपस्टिक तो कुछ नई सी लगाई हुई है निशा ने। नमस्ते मम्मी। मम्मी हैप्पी बर्थडे। दिखाई नहीं दे रहा कुछ? आप तो दिखाई दे रही हो, ऐसा तो लग ही नहीं रहा आज आपका जन्मदिन है मुंह देख के। काम रहता है ना बहुत। मम्मी एक जगह तो आओ। अरे आप एक जगह तो टिको, रुको। हाँ रुक गई। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सेम टू यू। ठीक है तो आज क्या प्लान है मम्मी, क्या कर रहे हो? पापा तो चले गए आपके, तो उनके साथ तो वैसे भी प्लान नहीं हो पाता ना, लड़ाई हो जाती है। गाना कहाँ से आ रहा है? ये कौन सुन रहा है? निशा साथ साथ इमोशनल गाने भी सुनती रहती है। मैं देख रही हूँ, बात करते करते ना रोमांटिक आंखें वाखे भी करती रहती है निशा गाने सुन के। देखा है सारी का? बात कर रही होगी मम्मी से? हाँ जी मम्मी। निशा ऐसे कर रही होती है बीच में, देखती हूँ क्या कर रही है, फिर मेरे को याद आया गाना चल रहा पीछे। नहीं वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास है, देख नहीं रहा, उल्टी लेटी हुई है। अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट के पास? उसकी पीठ में घुटने मार रहा है फिजियोथेरेपिस्ट। पीछे से कोई मार रहा है इसको। अरे ये डाल देना अविनाश, डाल देना ये जो बोल रही है ना निशा। इसको पहले से पता नहीं कैसे पता रहता है ब्लॉग बनने वाला, मेकअप करके आ जाएगी चटाक से। ओके भाई खुश रहो। पूरी भी नहीं बोली मम्मी और काट दिया क्या? नहीं है। अच्छा ये साल खूब अच्छा से जाए आप लोगों का सबका। बाय बाय। और जी मम्मी से बात हो गई है, लेकिन सुबह सुबह नए साल के दिन पता चला है कि फ्रिज जो है खराब हो गया, कूलिंग नहीं कर रहा है, दूध वूध सब फट गया, सब कुछ गल गया सड़ गया फ्रिज के अंदर। हल्का हल्का ठंडा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका क्या, कहाँ से क्या दबाना है? जब पता ही नहीं कहाँ से क्या दबाना है तो दबा क्यों रही हो? मैं नहीं दबा रही, कुछ बता रहे थे ना वो कि आप कुछ कर देना। कहा है तुम्हें कुछ बोला है उन्होंने? कुछ बताया उन्होंने? तो क्या किए हो? करने दोगी बेबी? कुछ भी नहीं, सारी चीजें जो आ रही थी वो सब उड़ गई। बेबी तुमने देखा मैंने कल क्या लिखा है अपने कैफे पे? 2021 इज द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ। तुम तो देख ही रहा है। भांडे बर्तन मांज रही हूँ। ओ अमिता चल थोड़ा सा क्लीनिंग व्लीन कर लो फटाफट घर। हाँ कर लो। फिर मैं तुमको मिलती हूँ एक चाय के साथ। ओके आई हैव अ रेफ्रिजरेटर साइड बाय साइड और उसमें कूलिंग नहीं हो रही है, पावर फ्रीज भी करके देखा मैंने। टेक्नीशियन कब तक आ जाएंगे? देखिए सर मैंने आज के लिए अरेंज करवाया है, 2:30 का टाइम डाला था मैंने। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। टेक्नीशियन आ जाएगा अभी 2:30 बजे तक। तो जी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो हमारा गेस्ट रूम था, जो कि डिसाइड हुआ था कि जब अमिता आएगी तो संभावना और अमिता मिलके उसको करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम था। तो हमने डिसाइड किया कि फिर अब अमिता नहीं आ रही तो मैं और संभावना ही करेंगे। लेकिन कल संभावना ने देखो इस रूम को कितना बढ़िया क्लीन कर दिया मेरे बिना ही, और मुझे भी सरप्राइज दे दिया ये देखो।
सही हो गया ना एकदम। इतना सामान डिस्कार्ड किया इस रूम में से, आपको क्या बताएं, हद हो गई, मतलब हद ही हो गई। मतलब कल मेरा ऐसा निकला ना, निकला बट इट इज लुकिंग सो नाइस। लाइट बंद कर दो बेबी। बेबी कर दूंगा, पहले रूम तो दिखा दूं। और इस रूम में सबसे ज्यादा दुख की बात एक ही हुई है सफाई के बाद, कि मेरा जो चोखा वाला वीडियो मैं यहाँ बनाता था उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा साफ हो गया। यहाँ पे आप देखते थे अविनाश का वीडियोस बन रहे हैं, इतने एक के ऊपर गद्दे पिद्दे 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 छिद्दे फिद्दे सब लगे हुए थे, ये सब मैंने कल ठीक किया है। देखो ये वो वाले कपड़े हैं जो थोड़ा सा ऑल्टर वगैरह करने हैं। अब इसमें अमिता के भी कपड़े हैं जो नए मैंने लेके आई हुई थी, वो भी ऑल्टर करने थे, लेकिन अमिता चली गई। बट इट्स लुकिंग सो नाइस ना। अरे बेबी ऐसा लग रहा है कि ना दिल पे कोई बोझ था वो उतर गया, पता है, ये रूम क्लीन होने के बाद। मैस्टर था, मेरे को ना ऊपर से झाड़ू मरवाना है पूरा जालों का। और मुझे अब ये देखने के बाद रियलाइज हो रहा है कि मेरा अब जितना भी सामान है ना वो सब मैं फालतू का डिस्कार्ड करूंगा या किसी को डोनेट कर दूंगा उसके बाद। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ये मेरा फेवरेट सामान है, ये मेरा फेवरेट सामान है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ मुझे भी ये बात समझनी पड़ेगी कि यार हमारा फेवरेट ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कितनी बार पहनते हैं या कितनी बार हम लोग यूज करते हैं। और इसके साथ ही ना मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के, कि आप लोग प्लीज हमें गिफ्ट्स मत भेजिए। एक तो मेरे पास जगह भी नहीं है रखने के लिए, और दूसरा मैं बहुत आपको अप्रिशिएट ज्यादा करूंगी अगर आप लेटर्स भेजेंगे। उसकी जगह, मुझे भेजने की जगह आप उन लोगों की हेल्प करो जो एक्चुअल में नीडी है, जिनको जरूरत है कुछ चीजों की, उनको हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आप लोगों को वैसे ही अप्रिशिएट करती हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ, सिर्फ लेटर्स भेजो। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रिज के पीछे पूरा ब्लॉक हो गया, पता है, धूल मिट्टी से। ओ, इस वजह से नहीं ठंड नहीं, गैस भी फिल करनी पड़ेगी। नहीं, फ्रिज में गैस का प्रॉब्लम हो गया आपको पक्का है, ऐसा लग रहा है गैस का इशू है, तो अभी उसका क्या करेंगे, अभी भर देंगे ना। अरे इसके पीछे क्या क्या पड़ा हुआ, कितने जाले वाले बने हुए हैं, पता है, ब्लॉक हो गया क्या पूरा। आज का दिन पूरा इसी में गया, पहला साल का पहला दिन। चेरी ऐसे लेटी हुई है वहाँ पे जैसे इसका सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो। देखो चेयर पे टेका लगा के ऐसे बैठी हुई है जैसे अब क्या होगा मेरे जिंदगी में कुछ पता नहीं। और आपके सामने वहाँ फ्रिज ठीक हो रहा है, गैस भरी जा रही है वहाँ पे, अभी अंदर लेके जाती हूँ थोड़ी सी गैस भर जाए तब तक। ये भी गैस भरी जा रही है या कुछ और हो रहा है, अभी पता नहीं, को पाइप ठीक कर रहे हैं गैस डालने के लिए। मौसम इतना ठंडा हो रहा है और मुझे पता नहीं क्यों जैसे मेरे जैसे आवाज में ना जुकाम वाली आवाज हो रही है, आपको पता लग रहा है, भारी आवाज हो रही है। मे भी शायद मैं पानी में ज्यादा काम कर रही हूँ। नाउ टाइम टू मेक माय कॉफी। मैं ले लेती हूँ आज ये वाला मग, इसको वॉश करके लाती हूँ। चुनिया चुनिया, मम्मा अकेली है, आप मम्मा का साथ दोगे थोड़ा सा? आप भी एकदम ऐसे बात कर, मम्मा से बातें नहीं कर रहे हो आज, एकदम ढीली पड़ी हुई है। एक्चुअली अमिता के जाने के बाद ना मेरे को एकदम इतना बड़ा ऐसे झटका लगता है ना, वो बहुत बड़ा झटका लगा है मुझे अमिता के जाने से। आई एम नॉट टेलिंग एवरीबॉडी, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक हम सबको बहुत बुरा लगा है एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने आपको जैसा बोला ना कि इट इज नॉट अबाउट हाउस वर्क, अरे काम का क्या होगा, उस चीज में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। एक बार काम पे लगती हूँ, घर के कामों पे लगती हूँ, तो मैं यूं करती हूँ, बट इमोशंस भी किसी चीज का नाम होते हैं यार। लेकिन मेरे पर इमोशनली क्या बीतती होगी, आई वाज सो कनेक्टेड विद अमिता, उसका एक बार वापस फोन भी नहीं आया मुझे, और इतने मेरे फोन करने के बाद उसके हस्बैंड ने फोन उठा के ये बात बोली होगी, तो मुझे कैसा लगा होगा। इट इज नॉट अबाउट कि आप नहीं आ सकते हो, आपने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि जिसको मैंने इतना अपना माना, जिसको हर चीज में बोलती थी, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियां, छोटी छोटी खुशियां मैं सारी उसके साथ शेयर करती थी। आई अंडरस्टैंड कि आपके हस्बैंड ने आपको नहीं आने दिया, लेकिन एक फर्ज तो शायद उसका भी बनता था। बट जो भी है, मैं उसको याद बहुत करूंगी। कभी भी वो वापस आना चाहेगी तो मैं हमेशा चाहूंगी मेरे घर पे अमिता वापस आए। सो एनीवे, कॉफी। तो जी यहाँ पे बन रहा है कोको चेरी कैंडी का खाना, चावल वगैरह सब चढ़ा दिया। अब कोको जी को तो अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ेगा, तो अभी मैं थोड़ी देर में अपनी बनाऊंगी चाय, क्योंकि अंधेरा होने जा रहा है। देख लो अविनाश काम पे लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर मैं उसके लिए भी चाय बनाती हूँ, अपने लिए भी चाय बनाती हूँ, एक बार इनका पक जाए खाना। It's time for some chai. Tan 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 tan. Arey humko mila hai tu naseeb se, hamare naseeb se. आज मैंने ना तीनों में से किसी को भी ट्रीट नहीं दी, जो इनके शाम को ट्रीट देते ना, मैंने एक को भी नहीं दिया है, ताकि सब पेट भर के खाना खाएं। इनके इतने नाटक हो रहे हैं ना, इतने नाटक हो रहे हैं, मैंने सीधा कर देना तीनों को। कोको के तो इतने ड्रामे हैं कि इसको मैं हाथ से खिलाऊं, मतलब इतना ज्यादा हो गया है, तो हाथ से खिलाएं तो एटलीस्ट प्रॉपर खाना तो खाए ना।
मेरी बेबी का एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, मेरा बेबी बाहर आया है, मैं अकेले क्या करूँ? वो खेलो ना मछली, मैं बस तुमसे खेलना। तो दोस्तों अभी घर के सारे काम हो गए, मेरे भी अपने काम हो गए, आज खाना बहुत ज्यादा खा लिया तो बहुत हैवी फील हो रहा है, और इधर दो हैवी लोग और आ गए। बेबी तुमने ये कौन सी टोपी लगाई है, 70s के हीरो वाली? हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हवा के साथ साथ। और उसको जैसे फेंका हुआ वैसे ही पड़ी है, पता है अब उसके क्लिप उतरेंगे नहीं क्या ऊपर के? इसने बेबी चोरी करके कोको का खाना खा गई, ये देखो पेट लटक रहा है एक तरफ। हाँ, चोरी करके कोको का खाना खाया है इसने, कैंडी का खाना खाया, अपना तो पहले खाई गई थी वो। ये भगवान कैसे खाना कम करेंगे इसका? हाँ, वो कहती है मैम मेरे को मार लो लेकिन मैं चोरी करूंगी। और वो देखो दोनों, ये कौन सी नई दोस्ती हुई है पता ही नहीं मेरे को। बेबी बहुत ठंडी है बेबी, क्या करें? बेबी कुछ भी ठंडी नहीं, 15 डिग्री सेल्सियस क्या होता है यार? देखो मैंने अपना नाइट सूट भी पहना हुआ है अंदर। अरे ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, तब तक ऊपर के लिए ही रखा हुआ है, मतलब लाइक इवनिंग वार्मर। बेबी इतना तो लोगों ने हिमाचल में नहीं पहना हुआ जितना तुमने यहाँ पहना हुआ है बॉम्बे में। बहुत ठंड लग रही है। आजकल टोपी लगा के सो भी रही हो तुम? हाँ मैं टोपी लगा के सो जा रही हूँ आजकल, पता है तुम्हारी गंदी वाली टोपी लगा रही हूँ आजकल, ग्रीन वाली चोखा वाली। चोखा वाली टोपी लगा के सो रही हूँ इसकी। आ जाओ मेरे पास इधर। उधर क्या करूंगा फ्लोर पे ठंड में, कह रही हो ठंड लग रही है और जमीन पे बैठी हुई हो। लेकिन मैंने तो पूरा वार्मर पहना। मैंने तो नहीं पहना ना। छोड़ूंगी रे। इसको भी मजा तो आ रहा है हेयर कट करा के, है ना? पूरे मजे ले रही है। उसका चोरी कर करके खाना खाया है इसने, और क्या मजे ले रहे हैं। तो भी कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं। तुम क्यूट लग रही हो कि चेरी क्यूट लग रही है? मैं बहुत ज्यादा खा लिया, बारिश को नींद तो बारिश हो गई थी। अब वो कह रही है कि मेरे को उतारो भाई, मेरे को जाना है सोने, प्यार व्यार करेंगे कल। तो जी हम चले सोने, चेरी चली सोने, मुझे कल सुबह उठ के बहुत काम है। तो आप लोग को मिलते हैं हम लोग कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। हवा के साथ साथ, अरे घटा के संग संग, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल मेरे गले के साथ ही चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू। पेट देखो बेबी का, बहुत बेबी ये ज्यादा खाई है, ये देखो ये लटक गया यहाँ से, यहाँ से टाइट हो गया एकदम, ये देखो ये टाइट हो गया, इतना खाया इसने एक्स्ट्रा। सच में यार, अरे उसको एंबैरेसिंग लग रहा है। बेबी एंबैरेसिंग नहीं, पर ये रात को आएगी ऊपर और तुम्हें बोलेगी नीचे लेके चल, रो रो के कर लेगा।